नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज पारसेट। आज हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत, सबसे लोकप्रिय हॉलीडे प्लांटों में से एक, जो क्रिसमस डेकोर और फेस्टिवल चीयर का पर्याय है, जिसका नाम है पैथलीटिया। आज हम लोग इस पौधे का के संपूर्ण केयर के विषय पर बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, तथा साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दें, ताकि आगे आने वाली हमारी अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पैंसेटिया के संपूर्ण केयर के विषय पर क्रिसमस के फूल के रूप में जाना जाता है। चमकीले लाल फूलों की पंखुड़ियां वास्तव में इसकी संशोधित पत्तियां हैं, जिन्हें वेक्टर्स कहा जाता है। क्योंकि पैंटेसिया सेटिया मेक्सिको के मूल निवासी है, इसलिए पौधा उज्जवल और प्रत्यक्ष प्रकाश और थोड़ी नमी पसंद करता है। पैंटेसिया, जिसे क्रिसमस फूल या मैक्सिकन फ्लेमिया के रूप में भी जाना जाता है, मैक्सिको और मध्य अमेरिका के कुछ हिस्सों में पाई जाने वाली एक छोटी झाड़ी है। अपने मूल क्षेत्र में इसे नेचुबियाना के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शुभ रात्रि। यह क्रिसमस की पूर्ण संध्या के दिन के लिए भी शब्द है। अधिकांश पाइनसेटिया को उनके गहरे हरे पत्ते और जीवंत चेरी रंग के पहचाना जा सकता है। इनके बहुत सी किस्में होती हैं, जो गुलाबी, सफेद, पीला, बैंगनी और कुछ तो वेरिएटेड में भी आती हैं, जो धब्बेदार या रंग बिरंगी दिखाई देती हैं। इनमें लाल रंग किस्म सबसे लोकप्रिय है। इसमें 150 से ज्यादा किस्में हैं। अब बात करते हैं इनके सॉइल मिक्स की। तो पैंटेसिया को अच्छी जल निकासी वाली और थोड़ी अम्लीय मिट्टी पसंद है, जिसमें आमतौर पर पीट काई या पेरलाइट जैसी घटक होते हैं। यदि इसकी सॉइल मिक्स बनाते हैं तो बनाते समय आप इसके सॉइल मिक्स में 25% मिट्टी, 25% टेप, 25% कोपीट, 25% कंपोस्ट का इस्तेमाल करें। इससे आपको पॉटिंग सॉइल वेल ड्रेन के साथ साथ हल्की और जड़ों को हवा देने वाली रहेगी। अब बात करें इसके पॉट सिलेक्शन की। तो आप इसको ऐसे पॉट का चयन करें जिसमें बहुत सारे होल हों, ताकि इसके गमलों में पानी ना खड़ा नहीं रहेगा। इसका अगर पॉट साइज की बात करें तो आप अपने पौधों के साइज के हिसाब से इसको इसके लिए गमले का चयन करें। अगर आपका पौधा बड़ा है तो आप इसके लिए 10 इंच के गमले पर्याप्त हैं, इसमें यह बहुत ही अच्छे से चलेगा। आप बात करते हैं इनके फर्टिलाइजर की। तो आप इनको जहां तक संभव हो ऑर्गेनिक खाद ही दें, केमिकल से बचें, क्योंकि यह पौधा बहुत सेंसिटिव होता है। ज्यादा केमिकल खाद पड़ने से यह खराब हो सकता है। तो आप इसको इससे बचने के लिए सीजन में वर्मी कंपोस्ट हर 3 महीने में एक बार दें, तथा महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट टी दे दीजिए। यह इससे के लिए पर्याप्त है। साथ ही नीम की खली और एंटी फंगल पाउडर का घोल
का भी इस्तेमाल करें। कंपोस्ट के साथ प्रकाश और तापमान की बात करें तो आप अपने पौधे को अगर इंडोर ग्रो करते हैं तो ऐसी जगह पर रखें जहां पर छन कर तेज रोशनी आती हो 4 से 6 घंटे की। अगर इस पौधे पर सीधी धूप पड़ती है तो इसकी पत्तियां जल जाएंगी। इन पौधों के लिए सबसे अच्छा तापमान 65 से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इनको इंडोर अच्छी ग्रोथ देने के लिए पानी की बात करें तो आप अपने पौधों को पानी बहुत ना दें। इनको अपनी मिट्टी में हल्की नमी पसंद है पर पानी रुकना नहीं। अगर बहुत ज्यादा नमी आपके गमले में रहती है तो आपके पौधा खराब हो सकता है। इसलिए आप अपने पौधों को दोबारा पानी तभी दें जब इनकी ऊपरी सतह सूखी हुई नजर आए। अधिक पानी देने से इसकी पत्तियां पीली भूरी हो सकती हैं और पूरी तरह से गिर सकती हैं। अब बात करें इनकी प्रूनिंग की तो आप इनको उसी रूप लुक देने के लिए बसंत ऋतु में इनकी कटाई छटाई करें जिससे इनकी नई ग्रोथ होगी और आपका पौधा घना बना रहेगा। इसकी छटाई करते समय इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि आप हमेशा दस्तानों को पहन कर ही इनकी कटाई छटाई करें, नहीं तो इनके अंदर से जो तरल पदार्थ निकलता है उसकी वजह से आपकी त्वचा में खुजली हो सकती है। अब बात करें इनके प्रोपगेशन की तो आप इनको आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इनकी अधपकी टहनी को लेकर आप रेतीली मिट्टी में लगा दीजिए, यह तैयार हो जाएगा। अब बात करें इन पौधों की विषाक्तता की तो यह पौधा थोड़ा जहरीला होता है। इनको आप ऐसी जगह पर रखें जहां पर यह पौधा आपके बच्चों या पालतू जानवरों की पहुंच से दूर रहे। इसको बार बार को छुए नहीं। बस इन कुछ छोटी छोटी बातों का आप ख्याल रखें, आपका पौधा हमेशा आपके घर की सुंदरता बढ़ाता रहेगा। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य पौधे के साथ उसकी केयर पर बात करने के लिए। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग।